हेलो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज आपका गेम वर्ड आ चुका है आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके। इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ गाइस। ये वीडियो ना तो किसी फ्री फायर या किसी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है। ये वीडियो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो उन लोग के लिए जो हम लोग का देख के यूट्यूब चालू करते हैं। तो मैं पहले ही गाइस बता दूँ, आप लोग को हमारी हिस्ट्री नहीं मालूम है। जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए जिसको आप फॉलो करते हो, जिनका देख के आप यूट्यूब चालू करते हो, बहुत ही अच्छा, एम रखना बहुत ही अच्छी बात है, उनकी तरह बनना भी बहुत ही अच्छी बात है। बट आप लोग ये तो देखो कि उन लोग क्या करते हैं यूट्यूब के अलावा। जैसे कि 12 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा एजुकेशन छोड़ के यूट्यूब खोल रहा है, ठीक है, अपने पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना वो यूट्यूब पे दे रहे हैं, अपने करियर पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जो यूट्यूब पे दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस से कमाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक दूसरा प्लेटफॉर्म है। आप लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए आप लोग को अपने करियर को, देन अपने मॉम डैड को, देन आता है तो यूट्यूब या तो आपके फ्रेंड्स। अब मैं जैसे कि आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मानते हो, जैसे कि फर्स्ट मैं लूंगा ज्ञान भाई का नाम। ज्ञान भाई भी अपना अलग काम करते हैं, यूट्यूब ही नहीं चलाते हैं। उनका कोई भी वीडियो मोनेटाइज, एक या दो वीडियो मोनेटाइज जाएगा, मगर वो अपना अलग काम करते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं और फिर मेहनत करते हैं यूट्यूब पे। जीएस के भाई भी काम करते हैं, सुनीता मैम पढ़ाई करती है, हम जॉब करते हैं, डैनियल भाई क्रिकेट खेलते हैं, उसमें उनको पैसा मिलता है। तो आप लोग ये चीज़ सोचो, शाखा भाई भी हो गया, वो भी काम करते हैं। तो आप लोग ये चीज़ सोचो कि हम लोग अपने यूट्यूब एक मेन बेस बना के नहीं चल रहे हैं, हम लोग का अलग फील्ड भी है जिसमें हम लोग अच्छा करते हैं। जैसे कि मैं एक ऑडिटर हूँ, मैं ऑडिट में अच्छा करता हूँ, तो मैं आप लोग को भी वही बोलूँगा। जैसे कि मेरे पास कल एक मैसेज आया था कि भाई मुझे 100 सब्सक्राइबर करके दो, मैं 12 साल का बच्चा हूँ। भाई 12 12 साल के बच्चे यूट्यूब खोलने अच्छी बात है, बट क्या आप लोग अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। सबसे पहला प्रेफरेंस अपने करियर को दो, और करियर नहीं रहेगा ना गाइस तो आप लोग यूट्यूब नहीं कर पाओगे, ठीक है। करियर इंपॉर्टेंट है, आपके मॉम डैड एक ही चीज़ बोले कि आपको यूट्यूब ने बिगाड़ दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने करियर सब चीज़ पे ध्यान दो, करियर मॉम डैड देन यूट्यूब आता है। गाइज मैं 3 बार बोल चुका हूँ, करियर मॉम डैड देन यूट्यूब। मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि जो भी यूट्यूब क्विट मत करो, अगर आपने चैनल बनाया उसको क्विट मत करो। जैसे कि मेरा एग्जाम था, 3 महीने तक मैंने यूट्यूब नहीं देखा, मैंने यूट्यूब नहीं खोला, बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर मैं यूट्यूब खोलूंगा मतलब मेरा चैनल मैंने नहीं खोला। खेलता था फ्री फायर, फ्री फायर खेलो टेंशन फ्री के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि लत लगा लो। जैसे कि आपने 2 घंटा पढ़ाई किया, हाँ फिर बाद में फ्री फायर खेलो 1 घंटा, बस हो गया, उसमें आपको ना तो आपके मॉम डैड रोकेंगे ना तो कोई रोकेगा। मगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूट्यूब पर दोगे तो वो गलत है। अपने जो आइडल है उसको फॉलो करना अच्छी बात है, बट हम लोग आप लोग को ये नहीं बोलते कि भाई अपना करियर मिस करके, अपना ये मिस करके आप यूट्यूब करो। तो जो भी नए यूट्यूब खोल रहे हैं, मैं उनको बस एक ही चीज़ बोलूँगा गाइस, सबसे पहले आप अपना करियर बनाओ। जैसे कि ग्रेजुएशन करो या तो 10th या 12th पास कर लो, उसके बाद जो छुट्टियां मिलती है ना, देखो फर्स्ट ईयर 11th इतना कोई सीरियसली नहीं था, तो उसमें अपना पूरा 1 साल यूट्यूब को दे दो, थोड़ा बन जाओ। उसका अब 12 साल का बच्चा यूट्यूब खोल के बैठे, अच्छी बात है, सोच मैच्योर हो चुका है, बट क्या आपने अपने करियर को आगे लेके गए हो। मैं सबसे यही क्वेश्चन पूछूंगा जो बोलते हैं ना कि भाई मैं यूट्यूब खोल चुका हूँ, मुझे व्यूज नहीं आ रहे, मुझे ये नहीं आ रहे। मालूम है नहीं आ रहे, बिकॉज इतने यूट्यूबर्स हो चुके हैं ना गाइस, तो व्यूज आना थोड़ा टाइम लगता है। बट आप लोग उस पर निराश होके अपने करियर पे ध्यान नहीं दोगे, अपने मॉम डैड पे ध्यान नहीं दोगे, बस यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे, हमको प्रमोशन चाहिए। यार प्रमोशन तो हर कोई लेता है यार, डायमंड्स दे के 800 सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं, उससे कोई बड़ा नहीं बन जाता है। कंटेंट चाहिए यूट्यूब पे, दूसरों कंटेंट चाहिए। जैसे ज्ञान भाई बस लाइव स्ट्रीम करते हैं, बट उनका कंटेंट देखोगे जिस तरीके से वो खेलते हैं, ज्ञान भाई, जीएसके भाई, शाखा भाई, सुनीता मैम, जिस तरीके से वो खेलते हैं वैसा उन लोग नहीं खेल पाएंगे। उन लोग बस लाइव स्ट्रीम करेंगे, हर दिन का गिव अवे करेंगे, बस हो गया और कुछ नहीं। तो बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है, उन लोग कहाँ कहाँ से मांग के पैसा लाते हैं गाइस। तो आप लोग ये मत करो यार, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या तो आपको बना सकता है या तो आपको गिरा सकता है। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रख के अगर अपने यूट्यूब चैनल चालू करो, तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रख के चैनल चालू करो, वरना यार ना तो आप करियर में आगे निकल पाओगे ना तो आप यूट्यूब में आगे निकल पाओगे। तो यही चीज़ बोलूँगा गाइस जाते जाते, प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक, अगर आप छोटे हो, 18 साल से कम हो या 20 साल से कम हो, तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप यूट्यूब को थोड़ा सा साइड में रखो, बनाओ वीडियोस, ऐसा नहीं है कि मत बनाओ, बट उससे पहले आपका आता है करियर। आपका जितना इंपॉर्टेंस देना आप अपने करियर को दो, यूट्यूब को मत दो, ठीक है। जैसे कि अभी 10th 12th का एग्ज़ाम है, मैंने कमेंट देगा कि भाई मैं 12th का एग्ज़ाम है, मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, क्या आपकी स्टडीज़ हो चुकी है,
आप जब एग्जाम लिखने जाओगे आपका फ्रेश माइंड रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में फ्री फायर चलता रहेगा, अरे अपडेट आ रहा है। तो वो चीज़ मत करो गाइस, इसको लत मत बनने दो, ठीक है। हाँ जब छुट्टी हो तब जितना लत बनाना है बनाओ, बट अभी नहीं, अभी पहले अपने करियर पे फोकस करो, बाद में यूट्यूब चैनल चालू करो, हम सब लोग आपको सपोर्ट करें, बट पहले करियर पे फोकस करो। करियर इज द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रेफरेंस इन योर लाइफ, उससे आप लोग आगे चल सकते हो। 40,000 कमाने वाला बंदा भी आज यूट्यूब खोल के बैठा है, क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब को अपना सेकेंड प्रेफरेंस मानता है। कभी भी किसी भी बड़े यूट्यूबर से पूछो क्या आप जॉब करते हो, वो बोलेगा हाँ मैं करता हूँ, क्योंकि एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, कभी भी उसकी कम्युनिटी चेंज हो सकती है, कभी भी उसका वो जो एक ये होता है ना प्राइवेसी, वो चेंज हो सकता है गाइज। उनके लेटर्स आ सकते हैं हमारे पास कि आपका चैनल बंद हो चुका है। तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दो, फिर बाद में अपने मॉम डैड, देन आपका आता है यूट्यूब। आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, सी यू, बाय बाय।